वेलकम टू स्मार्ट जनरल नॉलेज। स्मार्ट जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं 10 नवंबर के दिन इतिहास में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में। 10 नवंबर 1885 को जर्मनी के इंजीनियर गॉटलिब डाइमलर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बनाई थी। 10 नवंबर 1698 को कोलकाता को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेच दिया गया था। ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर किंग का जन्म 10 नवंबर 1483 में हुआ था। राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 10 नवंबर 1920 में हुआ था। बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 में विंडोज 1 की शुरुआत की थी। पिंपल कबाड़िया फिल्म अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर की मृत्यु 10 नवंबर 2009 को हुई थी। पिंपल कबाड़िया ने 1994 में रुदाली में अपने कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। भारत में 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 को हुआ था। उन्होंने भारत सभा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है।